अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? हम कितने हैं? बिल्कुल ठीक होंगे, मैंने बिल्कुल ठीक हूँ। बस और बार बस मेरा थक जाना, लेकिन मैं काफ़ी बार है, उस वजह से मेरा बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता है। तो मैंने कहा अगर कुछ चैनल पर बन जाएगा तो फिर मैं क्या कहते हैं उसमें बार का स्टैंड वो लगाऊँगी, उसमें बैल फिट करके वहाँ से ऐसे पकड़ लेते हैं, वो सामने आती है और मोबाइल में पकड़ना भी कोई मुश्किल नहीं होता। तो इस वजह से मैं बहुत भारी है, पकड़ा नहीं जाता, बाजू थक जाता। तो बच्चों को पता, छोटी भाई है, उनके पेपर ही होते हैं तो बहुत तंग करते हैं। ये देखें अम्मी लोग आए हुए हैं तो घर की हालत देखें, ये देखें बच्चों ने क्या खिलौना डाला हुआ है, और कमरे की हालत देखें, ये देखें मैंने ऊपर मशीन लगाई हुई, ये देखें। आप ये ना समझना कि मेरे घर में सफाई भी रहती, सफाई रहती है, खलारा भी होता, लेकिन ये है कि समेटती रहती हूँ। अब गर्मी आ गई है ना तो अक्सर यही खलारा हमारे कमरे में यही होता है, ये देखिए यही खलारा नहीं होता है, क्योंकि गर्मी आती है तो गर्मियों का तो पता है बच्चों ने अंदर ही रहना होता है पंखे के नीचे, तो इस वजह से बहुत ही मसला होता है रहने में और सोने में। ये देखिए ये खलारा वगैरह डाला हुआ है, तो बच्चे बाहर खेलने गए हैं और जो अरहम जैन वो साइकिल के साथ खेल रहे हैं। तो मैं आज नहाई हूँ, आपको मैंने कहा था कि लाइट हमारी कल गई हुई थी, तो आज भी हमारी लाइट इतना तंग करती है बहुत ज़्यादा। सुबह की गई हुई थी 6 बजे की, तो 11 बजे आई है, 11 बजे फिर कल दोपहर का वगैरह खाना बनाया, तो फिर ये टाइम आ गया। तो अभी टाइम मिला कपड़े धोने का, तो कपड़े धोने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलो ऊपर मशीन लगाई हूँ, दूध साथ साथ नीचे का भी काम करती रहूँगी। और किचन के आगे देखिए कल थोड़ा खराब हो गया था, आज लगा लिया। तो इस वजह से बर्तन धोने लगी हुई, ये देखिए बर्तन कितने पड़े हुए हैं, ये बर्तन धोने वाले हैं, सारे काम इतने करने वाले हैं। ऊपर मशीन लगानी होती है और नीचे घर के काम नीचे वाले करने होते हैं, कि फिर बाहर दौड़ लगी रहती है ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो मैंने आपको कहा था प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं कि ये थोड़े से दाग रह गए, ये भी जल्दी जल्दी चले गए हैं। हमारी शादी आने वाली है 26 तारीख को, तो आपको तो पता बहुत मुश्किल होती है अगर चेहरे पे वगैरह कोई दाग हो, लेकिन ये कोई दाग वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं है। तो बस यही दाग, पता नहीं क्या हो गया था, एलर्जी हो गई थी क्या हो गई थी, बस मैंने भेस वगैरह लगाई थी तो उसकी वजह से शायद हो गया। तो मैंने कहा था कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं अगर आप कोई भी अच्छी क्रीम के बारे में पता हो, तो आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक और शेयर किया करें। थक जाती हूँ आप कह कह के, लेकिन नहीं, आपने सुनना ही नहीं है और देखना भी नहीं। अगर मेरी वीडियो को पूरा देखा करें तो आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें, बहुत बहुत प्यार करें। मेरे चैनल का नाम नूर है जी, तो मेरे चैनल का नाम नूर है, हर ब्लॉग के नीचे मैंने लिंक दिया होता है, तो आप प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। क्या लेकर आओ। तो बच्चे ये मानो आए, ये देखे मानो आए, बोलो ये देखे, इसने भी गर्मियों का सूट पहन लिया है और मैंने भी ये पहन लिया है, ये देखे। तो ये देखे इसके साथ का ऊपर पता है ये ब्लैक है, तो ये किधर गया? तो इसके साथ का क्रेप का दुपट्टा है, तो ये मैं बताऊंगा। जल्दी जल्दी बर्तन धो लूँ, क्योंकि मशीन से कपड़े निकालने वाले हो चुके हैं। गर्मियाँ आ गई, कपड़े बहुत होते हैं ना, जिस वजह से अच्छे रोज बदलते हैं। तो सुबह का टाइम तो वहाँ धूप होती है ना, कपड़े धोए नहीं जाते तो गर्मी लगती है, इस वजह से धूप नहीं आती ना, दो परछावा चला जाता है, इस वजह से अब जाकर लेकिन इस टाइम का ये मसला होता है कि खाना वगैरह बनाना होता है, इसलिए।
तो ये देखिए मैं ये थोड़े से रह गए धोने वाले मशीन का पूरे हो रही है और जो दूसरे हैं वो मैं वो मोटरसाइकिल चला रहा है वो मैं तारों पर डाल लगी और सूरज देखा बस जाने वाला है क्योंकि गर्मी आ गई ना तो बहुत धूप सर्मी जाती है और गर्मी बहुत ना इस वजह से भी बहुत मुश्किल होती है सर्दियों में और गर्मियों में कपड़े धोने के क्योंकि यहाँ धूप आ जाती है सुबह को टाइम ही वहाँ तो बहुत गर्मी में फिर आपको तो पता कोई काम नहीं होता अब मैं तारों में डालने लगी ये देखिए पीछे इतने से धुल गए वो थोड़े से रह गए हैं तो शाम भी होने वाली है तो नीचे जाकर रोटियाँ वगैरह भी बनानी है तो ये देखिए सूरज और पंछी कुछ कुछ अपने घर को जा रहे हैं और कुछ कुछ अभी जा नहीं जा रहे लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं एक बात बताऊँ कहते हैं जिससे हम हर बात शेयर करें तो उससे हम हर बात जिससे हम हर बात शेयर करें तो उससे कोई बात नहीं छुपती तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी ये पंछी वगैरह जाते हैं तो मुझे बहुत बहुत अपने घर वालों की याद आती है कि सभी अपने पंछी अपने घर को जा रहे हैं तो मैं भी अपने बहन भाइयों से मिलूं अपने अम्मी अब्बू से मिलूं बहुत दिल करता है उन्हें मिलने को लेकिन क्या करें बच्चों की पढ़ाई का भी तो मसला है ना जिस वजह से जा नहीं पाती तो अब उनके रिज़ल्ट बोलेंगे तो फिर बुक्स वगैरह मिलेंगी तो फिर मैं ज़रूर जाऊँगी
तो मैं तो यही दुआ करती हूँ कि जिस जिसके अम्मी अबू हैं अल्लाह मियाँ उन्हें सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक फरमाए, आमीन। तो ये देखिए, तो आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक और शेयर किया करें। तो फिर नए ब्लॉग के साथ खुदा हाफ़िज़।